नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज की ये कहानी हैदराबाद की है, जहां एक मेट्रो लाइफलाइन बन गई। धड़कता दिल लेकर ये मेट्रो बिना रुके दौड़ती गई और दे गई किसी को जीवन दान। तो हुआ कुछ ऐसा कि हैदराबाद के जुबली हिल्स अपोलो अस्पताल में 44 साल का एक मरीज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। उसके दिल ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। अब बस किसी और का दिल ही उसकी धड़कनों को चालू रख सकता था। डॉक्टर ने कहा ट्रांसप्लांट ही उनकी जिंदगी बचा सकता है। इस बीच शहर के एक दूसरे छोर पर स्थित कामिनेनी अस्पताल में डॉक्टरों ने तेलंगाना के नलगोड़ा जिले के रहने वाले किसान को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। इस किसान के दिमाग ने तो काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। हालांकि उसके बचने की अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। परिवार पर जैसे गमों का बादल फट गया था, लेकिन उस परिवार का साहस देखिए जिसने ऐसे मुश्किल समय में फैसला किया अंगदान का। जिन्होंने सोचा कि जो उन्होंने खोया वो अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन ये अंगदान किसी की जिंदगी जरूर बचा देगा। अंगदान की ये खबर अपोलो अस्पताल पहुंची, जहां एक मरीज और उसका परिवार अभी भी एक धड़कते दिल के इंतजार में था। दोनों अस्पतालों के बीच 21 किलोमीटर की दूरी थी और सड़क से इस दूरी को तय करने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता। शहर के भारी ट्रैफिक को देखते हुए डॉक्टरों ने कामिनेनी अस्पताल से यह धड़कता हुआ दिल मेट्रो के जरिए अपोलो अस्पताल पहुंचाने का फैसला किया। हैदराबाद मेट्रो रेल के अधिकारियों से इस बारे में बात की गई और वो इसके लिए तैयार हो गए। अस्पताल से मेट्रो स्टेशन की दूरी 1 किलोमीटर की थी। हैदराबाद पुलिस को जब इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने भी 1 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर देने के लिए हामी भर दी। मंगलवार की दोपहर तय समय पर अपोलो अस्पताल की डॉक्टरों की एक टीम कामिनेनी अस्पताल पहुंच गई। हैदराबाद मेट्रो रेल ने नगोले और जुबली हिल्स के बीच एक नॉन स्टॉप स्पेशल ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया। देश में ऐसा पहली बार हो रहा था जब एक इंसान के शरीर से निकाले गए दिल को ट्रांसप्लांट के लिए मेट्रो से दूसरे अस्पताल ले जाया जा रहा था। अस्पताल में मेडिकल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद ये टीम 4:40 पर स्पेशल मेट्रो से जुबली हिल्स के लिए निकली। रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों को पहले से इस मेट्रो की मूवमेंट के बारे में बता दिया गया था। इस ट्रेन में सिर्फ डॉक्टरों की वो टीम थी जिनके पास ट्रांसप्लांट किए जाने वाला दिल था। यहाँ अपोलो अस्पताल में डॉक्टरों ने हार्ट ट्रांसप्लांट की सारी तैयारियाँ पूरी कर ली थी। वो ऑपरेशन करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और बस दिल का इंतज़ार कर रहे थे। 16 स्टेशनों को बिना रुके पार करते हुए इस मेट्रो रेल ने महज 30 मिनट में इस 21 किलोमीटर के सफ़र को तय किया। इस लाइव ऑर्गन को लेने और अस्पताल तक ले जाने के लिए जुबली हिल्स चेक पोस्ट स्टेशन पर एक एम्बुलेंस तैयार रखी गई थी। जैसे ही ये ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंची, पुलिस वालों ने तुरंत टीम को एम्बुलेंस तक पहुंचाया और बस ये पूरी मेहनत तब सफल हो गई जब इस दिल ने किसी को जिंदगी दे दी। TV9 हैदराबाद मेट्रो रेल हैदराबाद पुलिस की इस कोशिश को सलाम करता है। सलाम करता है उस परिवार को जो अपना गम भूल कर किसी और की मदद के लिए आगे आए और किसी को जिंदगी दे दी। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।